उज्जैन के मक्सी रोड पर पंड्याखेड़ी निवासी 3 मासूम बच्चों को मोहल्ले के बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल बच्चों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पंड्याखेड़ी में निवासी 3 बच्चों को यहीं के एक आदतन बदमाश ने इन बच्चों के साथ विवाद किया और डराया धमकाया, पैसे की मांग की। जब इन बच्चों ने पैसे नहीं दिए तो चाकू से वार कर दिए। सूचना मिलने पर पुलिस कर्मचारी पहुंचे और बच्चों के बयान लिए। परिजनों ने बयान लिए और बदमाश के विरुद्ध मामला दर्ज किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये जो बच्चे हैं कहां के रहने वाले हैं और क्या हुआ था? ये पांड्यागढ़ी के रहने वाले थे ना, पतंग उड़ा रहे थे। तो कुछ ये प्रेम नगर के लड़के हैं, कुछ दारू वारू पीते, गांजा वगैरह वहीं पीते हैं। इनसे जबरदस्ती जूने जबकि कोई गोकुल करके कबला करके है, वो सब गुंडागर्दी करता है। इन बच्चों को मार झपट के पैसे निकलता है, दारू देने गांजे के पैसे। वो उसका कुछ काम नहीं, यही काम है, कमाता तो ही नहीं। ये बच्चे लोग काम धंधा करने वाले छोटे छोटे, इनसे जबरदस्ती मार के उसके पैसे लिया और चाकू निकाल के इनके जड़ 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 के पैसे दे, चाकू मार दूँ। अच्छा, 3 लड़के उनको चाकू मारा है, एक के तो हाथ पे मारा, 3 दो के तो मतलब ऐसा लगा कि जानलेवा हमले कर रहा। इसमें हमारा एक भतीजा है, अच्छा भतीजे को भाई जानलेवा हमला कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।